नमस्कार, मैं लता तोमर कहानी किचन की से। आज हम बाजरा की रोटी बनाएंगे, तो शुरू करते हैं बनाना। तो बाजरे के लिए क्या करते हैं कि हमको थोड़ा थोड़ा एक एक रोटी का ही आटा गूंदना होता है, पूरा नहीं गूंदना चाहिए। हमने आज उड़द की दाल बनाई है, तो बाजरा की रोटी उड़द की दाल से बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ी रोशनी कम आ रही है, लाइट नहीं है आज हमारे यहाँ। बहुत अच्छे से इससे हथेली से करते हैं, इसको इस टाइप से करेंगे जिससे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हमने कर लिया है काफी इस टाइप से, अब बनाएंगे इसकी रोटी। तो इसके लिए हमको थोड़ा गेहूं का जो रोटी बनाते हैं उससे ज्यादा लेना पड़ता है। इस टाइप से हम गोल करेंगे इसे। ये गोल हो गया हमारा, और इसे आटे में ही डुबोएंगे और फिर से बढ़ाएंगे इसी टाइप से, और थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लें इसे, मतलब इससे ऐसे दबाते जाते हैं, इससे इस टाइप से करते जाते हैं तो ये बढ़ जाती है। और फिर बढ़ाएंगे, और हमको उंगलियों से नहीं बढ़ानी है, इस चीज से बढ़ानी है, इस चीज से इसे दबाव बनाएंगे ऐसे और बढ़ाते जाएंगे। आपको लगता है कि रोटी चिपक रही है तो थोड़ा सा आटा हाथ पे और लगा लें। और बहुत ही परफेक्ट रोटी बनेगी ऐसे। कई लोग क्या पानी से बनाते हैं, तो पानी से क्या होता है रोटी कई बार टूट जाती है। अब इसे डालेंगे हम तवे पे, और तवा तेज गर्म होना चाहिए। इसके बाद इसका थोड़ा सा पानी लगा देंगे ऊपर से, और कहीं टूट जाती है आपकी रोटी तो थोड़ा सा आटा वहां भी लगा दें। और जैसे ही ऊपर सूख जाएगी और नीचे सिकने लगेगी तो हम पलट देंगे इसे। बाजरा की रोटी पलटने के लिए आपको कोई इसी टाइप का लेना चाहिए, ऐसे इस टाइप से छुड़ाएंगे और इसे पलट देंगे। और गैस का फुली करेंगे हम, क्योंकि फुलके बनाएंगे। तो बस हमारी रोटी ये सिक गई है इधर से, और इसे थोड़ी मीडियम गैस पे ही सेकेंगे, फुलका नहीं सेकेंगे। तो ये रोटी जब फूलती है ना, और आपको लगता है कि कहीं से गैस निकल रही है इसकी और ये फूल नहीं रही है, तो आप उसी जगह पे इस टाइप से पकड़ लीजिए। जैसे मेरी ये बीच में कहीं से फूटी हुई है, तो मैंने वहां से पकड़ ली, तो अच्छे से फूल गई रोटी हमारी। बस इसे धीमी धीमी गैस पर करारी करारी सेक लेंगे, और इसमें अच्छे से घी लगाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। गुड़ के साथ भी अच्छी लगती है ये, उड़द की दाल के साथ अच्छी लगती है, कई चीजों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो बस हमारी रोटी बन गई है ये। तो ये दूसरी रोटी भी आपको सेक के बता देती हूँ मैं, और आप देख सकते हो जब भी हम कोई रोटी सेकते हैं तो पहले उल्टी साइड से सेकते हैं, थोड़ा धीमी कर लेते हैं, गैस तेज है। पहली रोटी थोड़ी अच्छी नहीं बनती है, फिर जैसे जैसे आप बनाते जाओगे और रोटी बहुत अच्छा सेक लेती जाती है। बस हमारी ये रोटी बनके तैयार हो गई है, और इस पर अच्छे से घी लगा लेंगे। घी लगा के स्वादिष्ट लगती है, अगर आप इसे घी लगा के नहीं खाते हो तो बोलते हैं इससे फैट बिल्कुल नहीं बढ़ता। बाजरे की रोटी के साथ दाल और कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगी। तो बनाने की कोशिश करिए, बन जाएगी, थोड़ी टाइम लगेगा। बस आटे को आप अच्छे से मसलें, अगर आप आटे को अच्छे से मसलोगे तो रोटी बन जाएगी, और आटे को अच्छे से नहीं मसलोगे तो रोटी टूटती है। और मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा थोड़ा एक एक रोटी का ही आटा गूंदते जाएं और बनाते जाएं। तो बस आपको पसंद आती है तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।